नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर्स एंड ट्रेंड पैरामेडिकल स्टाफ, 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विसेज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा बिहटा पटना। बचपन से ही एक शौक था, तो वो शौक अभी भी बाकी है, बरकरार है, तो वो हो जाता है। पुलिस में भर्ती होने से पहले मैं मेरे बड़े भाई साहब के साथ में फोक डांसेस वगैरह करता था, उसके शोज करता था, लेकिन ये वेस्टर्न डांसेस वगैरह सीखा नहीं था। ये सब देख देख के मैं सीखा हूँ, और कुछ नहीं, बस देखता गया, देख देख के वो प्रैक्टिस करके फिर कर लेता हूँ। हाँ, मैंने सोचा था कि यही लाइन में कुछ करूँ, कोरियोग्राफर बनूँ, लेकिन जब पुलिस में भर्ती हो गया उसके बाद में वो उम्मीद चली गई थी। मुंबई पुलिस का एक प्लेटफॉर्म मिला, हमारा एक प्रोग्राम होता है दिवाली मिलावा करके, 2014 में ऋतिक रोशन साहब के साथ में डांस किया है। मेरा सपना तो यही था कि छोटा मोटा डांसर बनूं, लेकिन कोई आर्टिस्ट के साथ में बाजू में खड़ा रह के मुझे डांस करो और सामने इतनी सारी पब्लिक है, लाखों पब्लिक है, और उस पर डांस करना बोले तो मेरे लिए सपना सच हो गया, ऐसा ही हुआ था। अगर थोड़ा बहुत टाइम मिल गया तो किधर बैठ के रिलैक्स कर लिया। मोस्टली अभी ऑफिस में हूँ तो ड्यूटी से 6 बजे छूट जाता हूँ, 7-8 बजे तक घर आ जाता हूँ, अपना चाय वगैरह पी के फिर अपना म्यूजिक सुन लिया, बच्चों के साथ में थोड़ा चिल कर लिया, बस वही है और कुछ नहीं। और एक वीकली ऑफ मिलती है हम लोग को, तो एक वीकली ऑफ के दौरान वो दिन में छोड़ता नहीं, फिर वो दिन में 2-3 डांस कर ही लेता हूँ, शूट कर लेता हूँ। जी, बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे मैसेजेस कमेंट्स आते हैं मुझे कि सर आप हमारे लिए इंस्पिरेशन हो, या हम थक के आते और आपका वीडियो देखते तो हम रिलैक्स हो जाते हैं। एक बार ऐसा हुआ था कि मैं ऑफिस के रास्ते में ही था और वहाँ से जा रहा था, तो वहाँ पुलिस कॉलोनी है, वहाँ के बच्चे उन्होंने, अरे अंकल 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 आप टिकटॉक वाले अंकल हो ना, टिकटॉक वाले। तो वो टाइम में मेरे दोस्त लोग भी साथ में थे, कलीग्स थे, बोले अरे वाह तू तो फेमस हो गया यार। मैं बोला नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है। तो वो थोड़ा मजेदार किस्सा था।